Dance. तो आज हम लोग जाने वाले हैं जी दादी गांव। जी हाँ, दादी गांव में जो मंदिर है वहाँ पर जा करके माँ जो है दर्शन करें। अच्छा। हम लोग पहले से भी लेकिन हम इसीलिए अपने देवरानी को बुला लिए। जापानीज स्टाइल का जो मंदिर है शायद उसी तरह का कुछ लग रहा है। बस आएगा पापा के पास और कहीं नहीं, पापा के पास। तो हम लोग अभी आ गए हैं छत पर और जो भी दिवाली और छठ का पटाखा बचा हुआ था जिया भी दिवाली का नहीं था। अच्छा हाँ, दिवाली में तो लिए ही नहीं थे हम लोग, सॉरी। तो हम लोग छठ का जो भी पटाखा था उस दिन तो हम लोग यूज नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा काम का पड़ गया था लोड, लेकिन आज जो है जिया उसको यूज कर रही है अपने पटाखे को। पिछले साल का पटाखा भी खराब हो गया था शायद, हम लोग जलाए नहीं, बस लेट से जलता है। सही बात है, ये जल गया। ये देखो क्रियांश क्या है, देखिए क्रियांश का नजर उधर। ओए होए होए, ये क्रियांश क्या चल रहा है? ओए होए, क्रियांश का नजर उधर ही है। तो क्रियांश अपना सेब लिया हुआ है और यह सेब खाता है नहीं, बस खाली चूहा की तरह कुतर कुतर के फेंक देता है। दादी छोड़ के पटाखा लो। पटाखा से अभी डर रहा था। ये लो आगे बाबा। ए हे डांस डांस डांस। इतना खुशी ये क्रियांश पिछली लो पिछली भागेगा डर से, भाग रहा है डर से। ये डांस कर रहा है। नो क्रियांश, नो नो नो, दूर रख रहा, डर रहा है, डर रहा है, डर रहा है। मेरा जो पोता है हाँ, देखता भी है, उसको देखना भी है, भाग भी है, भागना भी है। मेरी माँ एक है ना, मेरी माँ बोलती थी ना, देखिए वो नहीं आ सकती हो, आग देख कर डर, आग देख कर डर। सही बात है। एक क्रियांश जाएगा, जाओ भाग जाएगा उधर। क्रियांश कह रहा है ये वाला लाइट जला देने के लिए, वहाँ तो स्विच है, वो है उसका कनेक्शन उस लाइट से। तो क्रियांश कह रहा है उस लाइट को जला देने, चलिए जला देते हैं। आप देखिए क्रियांश की खुशी का ठिकाना नहीं, उधर जल गया है। आप देखिए क्रियांश, आ जाओ आ जाओ वही अंदर। डांस डांस। तो हमारा खाना लग गया है जी, और खाने में आज है पिक्चा का यह सब्जी जो कि बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। अजिया भी खा रही है, तुम्हारी भाभी बनाई है, सृष्टि की मम्मी। अच्छा तो बहुत बढ़िया है, तो थैंक यू भाभी जी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाए। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 8:50 और अभी अभी अपना जो है काम करके उठे हैं। आज जो उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था, आज उठे हैं कितना, लगभग लगता है शायद 7:30 बजे उठे हैं, जो कि नॉर्मली हम 6 से 6:30 बजे करीब उठ जाते हैं। पता नहीं क्या हुआ, बस नींद आ गई बहुत तेज। तो चलते हैं ऊपर, क्रियांश की आवाज आ रही है, क्रियांश से भी मुलाकात करते हैं। जी अभी शायद गई हुई है कपड़ा सा फैलाने के लिए ऊपर। देखो बदमाश को, ये यहीं पर है। अभी क्या किया पता है? क्या उस पे वाह, आज क्या है तुम किसी कहां भागा? जैसे कहां तो कोई पता नहीं, जैसे ए रुकिया तो हम लोग पता कि है कौन, देखते हैं तुझे ऊपर आए तेरी साइकिल देख के चला गया। फिर जाएगा वहां, फिर जा तुम हंसी लगता है। जल्दी उतर, फिर जा, जल्दी उतर, जल्दी उतर। आ जा फिर जाता हूं। थोड़ा उसको पकड़ के लाना होगा अपने से। A few moments later. तो आज हम लोग जाने वाले हैं जी दादी गांव। जी हाँ, माँ का मन हो गया है कि दादी गांव में जो मंदिर है वहाँ पर जा करके माँ जो है दर्शन करे, और अच्छी बात है जी माँ अब निकलना चाह रही। हम जो है माँ से रिक्वेस्ट क्या करते थे कि तुम थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा घूमो फिरो, रिटायरमेंट हो गया है अब जो है घर में क्या रहना, थोड़ा सा बाहर निकलो अब घर से। तो माँ जो है तैयार नहीं होती थी कभी भी घूमने के लिए, कहीं भी बाहर निकलने के लिए, लेकिन फाइनली अब जो है माँ का मन देखते हैं थोड़ा थोड़ा होने लग गया घूमने का। तो सोचा कि माँ ने बोल दिया घूमने के लिए, देरी नहीं करना चाहिए, जल्दी से निकलते हैं। हम लोग निकलेंगे और साथ में जो हमारी चाची भी ज्वाइन करेगी जो हमारे घर आएंगे, और उनको भी जाना है गांव, तो चाची जी को भी ले लेंगे और सभी लोग साथ चलेंगे। तो क्रियांश को तो हमने तैयार कर लिया है, बस तैयार होना है अब हम लोगों को, माँ भी तैयार हो चुकी है, बस हमको और दिया को रेडी होना है। 10 बजे तक वो आ जाएंगी और अभी 9:45 हो चुका है, तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं। और यहाँ घर में हो रही है आज साफ सफाई, तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कोना कोना एक एक साफ किया जा रहा है। जिया ज्यादा देरी नहीं, जल्दी करो, बहुत कम समय, जूता दे देंगे बाद में, अब ये दे दें बाद में, ठीक। तो यहाँ सबका जो है हो गया है नहाना, और सबका हो गया है तैयार होना, बस खाली हम बाकी है, तो हम भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और माँ जो है खाना भी बना दी है, तो सोचे थे खाना जो रास्ते में खा लेंगे, लेकिन अब घर से खा के जाना पड़ेगा।
बड़ा हम लोग रास्ता इसी तमाशा के चलते खाना बना लेते हैं, कम से रास्ता का होटल खाना। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। तो हम सभी लोग जी तैयार हो गए हैं और हमारे जो चाची जी आने वाले थे और हमारे जो भाई सब आने वाले थे, सभी लोग आ गए। तो चलिए सभी से किक करके मिलते हैं। मुलाकात हो गया, साथ मेरे चाचा जी भी आ गए। चाचा जी से तो अपना कोर्ट में कमाई करने जाएंगे, बेटी की आना मजबूरी हो गया इसलिए। चलिए बढ़िया, तो हम लोग चलते हैं, तैयार होते हैं जल्दी। तो अपने नाना जी से तो मिला दिया, नाना जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और चाची जी से भी मिलवा दिया, और उसके बाद अपने भाई से भी मिलाते हैं। एक है लड्डू और एक है वैभव। तो ये लोग भी चल रहे हैं अपने दादी का, हम भी चल रहे हैं, चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए जी मंदिर के पास, सभी लोग जो है चल रहे हैं अंदर। पहले तो इस तरह से मंदिर नहीं बना हुआ था, बहुत ही एकदम एक बेसिक जैसा बिल्डिंग था। आज से लगभग कह रहा हूँ से 10-12 साल पहले की बात है, और 10-12 साल बाद आए हैं और मंदिर देख रहे एकदम बन गया, बिल्कुल जापानीज स्टाइल का जो मंदिर है शायद उसी तरह का कुछ लग रहा है। तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद जी अब हम सभी लोग जो है अपने गाँव जाने वाले हैं, और फिलहाल जो है सभी यहाँ पर अपना चाय नाश्ता कर रहे हैं। तो चाय नाश्ता जब यहाँ से हो जाएगा तब चलेंगे। और सच में जी कितनी बार बोलूँ मैं, काफी अच्छा लगा, और खास करके अच्छा इस बात को लेकर के लगा अपनी जो फैमिली है वो सभी लोग साथ मिल करके यहाँ पर आए, और जब फैमिली साथ में चले तो मज़ा जो है चार गुना हो जाता है। और क्रियांश तब तक जो है अपने चाचा के पास है, शोर तो मचा रहा है कि गोद में नहीं रहना है, उसको छोड़ दो नीचे, घूमता है कि नहीं देखो तो एक बार पैदल। बस आएगा पापा के पास, और कहीं नहीं पापा के पास, क्या कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं लेना है, तुम लोग को जो लेना है ले लो। हाँ वैसे हम यहाँ से जाते समय समोसा लेंगे, बनमनखी में बड़ा अच्छा मिलता है, बनमनखी का वो जो है बस स्टैंड, 12 रुपया पीस है, इतना बड़ा बड़ा समोसा मस्त। A few moments later. तो सभी लोग जी दर्शन कर लिए, और सभी लोग का जो है पेट पूजा भी हो गया, उसके बाद आ गए हैं गाड़ी में। और क्रियांश भी जो लगता है हमारी आवाज सुन के जो है थोड़ा दूध पीना छोड़ दिया है। तो उधर मोनू का भी कॉल आ गया है, तो बाकी सभी से जानते हैं कैसा लगा नाना जी यहाँ का। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ऐतिहासिक हम लोगों का भ्रमण हुआ, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग इस जगह में भ्रमण करके मन प्रसन्न हो गया, और बहुत ही अचानक से प्लान बना, अचानक ऑल ऑफ सडन ये प्रोग्राम बना, और ये प्रोग्राम बनने के बाद हम लोग आए दर्शन किए, अगल बगल का यहाँ जो भी दृश्य है उसका अवलोकन किए, बहुत अच्छा बहुत सुंदर मनोरम दृश्य है, ऐतिहासिक जगह है, इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। चलिए अच्छा है, और उधर क्रियांश जीत कर रहा है आगे आने के लिए। बाकी चाची जी बताइए कैसा लगा? बहुत ही अच्छा जगह, अच्छा लगा, मनोरम दृश्य है। हम लोग के गांव के बगल में ही है इतना ऐतिहासिक जगह, शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। हाँ हाँ, और गांव पास में ही है, पास में ही है गांव के। दीदी कैसा लगा? हम तो यही कहेंगे कि भगवान नारायण की कृपा है जो हम चाचा जी और रजनी को बुलाए। अच्छा, तो वही संजोग है जो हम लोग यहाँ आए, भगवान का दर्शन हुआ। ठीक है, तो सभी लोग जी यहाँ पर कर लिए दर्शन, और इसके बाद जो है अब चलेंगे हम अपने गांव। और अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, आगे का जो भी होगा वो आपको दिखेगा अगले ब्लॉग में। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले आपको मिले। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, आपके एक शेयर से हम बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में सभी एक साथ, बाय।